लास्ट टाइम हमने किया था बेटा इन्वर्सल ऑफ ग्रेविटेशन दैट एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, वेयर जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, वेयर जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। तो यहां से जी की वैल्यू आ गई बेटे हमारे पास कितनी, बोलो साहब, जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम। ओके, एम इंटू एम मीन हियर इज बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम एंड हियर इज बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम एंड स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स। तो देयरफॉर जी के बेटे यूनिट क्या गया, फोर्स का यूनिट क्या होता है, बोलो साहब, न्यूटन। आर आर स्क्वायर का क्या जाएगा, बोलो साहब, मीटर स्क्वायर, और नीचे मास केजी इंटू केजी का आ जाएगा बेटे कितना, बोलो साहब, किलोग्राम स्क्वायर। ओके, तो देयरफॉर इसका जो यूनिट आ गया हमारे पास वो कितना आ गया बेटा, बोलो साहब, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बेटे कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो लिसन, तो न्यूटन होता है फोर्स, फोर्स होता है मास इंटू व्हाट, एक्सलरेशन, और एक्सलरेशन भी क्या होता है, बोलो साहब, ये आ गया आपके पास मास किलोग्राम, एक्सलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आगे मीटर स्क्वायर एज इट इज एंड किलोग्राम माइनस टू। ओके, तो बेटे यहाँ पे किलोग्राम पॉजिटिव है, यहाँ पे माइनस टू हुआ तो रह गया माइनस वन, यहाँ पे मीटर जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे मीटर टू भी पॉजिटिव है, तो आपके पास आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटे, बोलो साहब, ये आ जाएगा आपके पास, यूनिट आएगा किलोग्राम पर किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। ओके, इतना आ गया बेटा, बोलो साहब, पर किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। तो देयरफॉर डायमेंशनल फॉर्मूला बेटे क्या बन जाएगा, कैपिटल एम माइनस वन एल रेज टू एल क्यूब एंड टी माइनस टू पावर माइनस टू। ओके, यस सर, हाँ जी बेटा। नाउ बेटे हाउ टू फाइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो चलो कर लिया हमने पहले कर लिया है, लेकिन हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बड़े ध्यान से देखना आपने। ओके, इसमें दो तीन जो है नए वर्ड्स आ जाएंगे, जैसे ट्विस्टिंग टॉर्क। ओके, ट्विस्ट क्या होता है, ट्विस्टिंग टॉर्क क्या होता है। ओके, सो दिस वैल्यू ऑफ दिस कैपिटल जी इज नोन एक्सपेरिमेंटली बाई मिस्टर कैवेंडिश इन द ईयर ऑफ 1798। In the year of 1798, बड़े ध्यान से देखना बेटे, जहां भी आपको डाउट हो ये पूछ लेना। ओके, देखो बेटे, उसने कैवेंडिश ने क्या किया, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, ही टुक अ वेरी वेरी थिन क्वार्ट्ज स्ट्रिंग, क्वार्ट्ज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मींस रोप, वेरी वेरी फाइन रोप ऑफ क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज जो है इट इज डेलिकेट, ओके, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट इज एक्सटेंशनलेस, एक्सटेंड इसकी लेंथ नहीं एक्सटेंड होती है, इसके साथ जो मर्जी चीज लटका दे इसकी लेंथ जो होती है वो चेंज नहीं होती है। एंड ही सस्पेंड द वन एंड ऑफ दिस क्वार्ट्ज स्ट्रिंग विद सस्पेंशन ऑफ दिस रिजिड सपोर्ट एस, विद दिस रिजिड सपोर्ट। ओके, दिस इज द क्वार्ट्ज व्हाट स्ट्रिंग एंड ही दिस सस्पेंड इट फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट एस at the free end or lower end of the quartz string he tie a rod of length l, length of the rod is what, l, okay, and it is tied from the center of mass, okay, and he connected two masses, very very small masses, let each of mass m made of lead, L-E-A-D, made of lead, and what he does, he took another two masses of large mass, one he kept here, the mass of this, it is also of lead, and the mass is what, M, but M is very, very large than N. He also took another mass of same mass, capital M, also made of lead, but he kept it in opposite direction, okay, in this direction. This is mass capital M, this is mass also capital M, and these are two point masses of mass small m. They are tied at the free ends of the rod of length L. This is the rod of length L, okay. Now what happens, beta, dekho,
when he freed the rod, then what happens? Now this mass, capital mass, will exert a force of attraction on small mass, and this capital mass also exert a force of attraction on the small mass. अब बात हो आएगी ना, देखो जब ऊपर से मैंगो गिरता पेड़ से तो मैंगो नीचे को जाता है, अर्थ ऊपर को नहीं आती, जबकि फोर्स दोनों की सेम होती है। तो उसका भी एग्जांपल देखा था हमने, क्या एग्जांपल देखा था, जब हम एक ट्रक को फोर्स लगाते हैं तो नहीं चलता है, लेकिन साइकिल को फोर्स लगाए तो टूट जाती है। ओके, तो व्हाट हैपन बेटे, ये जो फोर्स होगी इसके ऊपर ये फोर्स इधर को आएगी। ओके ओके, दिस इज द फोर्स एफ, और सेम फोर्स इस मास के ऊपर होगी जो पॉइंट ए के ऊपर है, दिस इज पॉइंट बी, बट उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे को होगी। दिस फोर्स, बोथ दीज फोर्सेस दे आर इक्वल एंड अपोजिट एंड दे आर एक्टिंग ऑन द सेम रॉड बट एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, सो देयरफॉर दीज टू फोर्सेस फॉर्म अ कपल। ओके, एक कपल हो जाएगा बेटे, और कपल के कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, दैट टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितनी है बेटे, बोलो साहब, एफ, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इन दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस कितना बेटा, बोलो, इनटू एल। अब मेरे को बताओ ये जो फोर्स है कौन सी फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स जो है, यस, तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है दोनों के बीच में, यस यस सर, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, और ओके बेटा जी, लेट द डिस्टेंस बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम इज स्मॉल आर। ओके, एंड आल्सो द डिस्टेंस हियर बिटवीन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम इज आर। सो ये जो फोर्स आ जाएगी, फोर्स कितनी होगी, कैपिटल जी इनटू कैपिटल एम इनटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बेटा जी, एल। ओके, सो देयरफॉर यहां से हमारे पास आ गया टॉर्क कितना, दिस टॉर्क टॉर्क, इसको बोलते हैं बेटे डिफ्लेक्शन टॉर्क, टॉर्क डी, राइट डाउन हियर, डिफ्लेक्शन टॉर्क, डिफ्लेक्शन टॉर्क, डिफ्लेक्शन टॉर्क। ओके, डिफ्लेक्शन टॉर्क, डिफ्लेक्शन हुई, ओके, मासेस के बीच में, ठीक है, और इसके कारण टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, जिसके कारण लेसन दिखाओ देखो बेटा सर, आप देखो जैसे डिफ्लेक्शन होगी तो ये जो होगा क्या होना सवाल, ये जो मास होगी ये चलेगी इधर को, ओके, और ये जो मास होगी ये चलेगी इधर को, मीन ये थोड़ी सी घूमेगी। ओके, जब ये घूमेगी तो मेरे को बताना है जो स्ट्रिंग है, क्वार्ट्ज की जो स्ट्रिंग, क्या इसमें ट्विस्ट आएगा, यस सर आएगा। अच्छा सपोज करो, देखो बेटा मान लो मेरे को ना लटका दिया पंखे से और मेरे को धक्का देंगे, ठीक है, घुमाया मेरे को और मैं घूमता जाऊंगा घूमता जाऊंगा घूमता जाऊंगा घूमता जाऊंगा, जो ऊपर रोप है वो भी घूमेगा ना, ट्विस्ट आएगा उसमें, यस सर। अब मेरे को एक ही बार घुमाया था ऐसे, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मेरी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो कम होती जाएगी या बढ़ती जाएगी, कम होती जाएगी, और उसके बाद क्या होगा लास्ट में, जीरो। प्रगुण तुम जल्दी जल्दी बिना सोचे बोल देते हो बेटा, उसके बाद क्या होगा, एक टाइम आएगा जब मैं घूम रहा हूँ क्लॉकवाइज और वो जो उस रोप में ट्विस्ट है वो मेरे रोटेशनल को क्या करेगा, अपोज करेगा, और एक टाइम आएगा जब मैं घूमता घूमता एक थोड़ी सी देर के लिए खड़ा हो जाऊंगा ना, यस सर, यस सर, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर मेरी मोशन धीरे धीरे उल्टी स्टार्ट हो जाएगी, है ना, उल्टी स्टार्ट हो जाएगी, यस सर। तो जब मैं घूमता घूमता स्टॉप हो गया, इसका मतलब हो गया उस टाइम जो ट्विस्टिंग सॉरी डिफ्लेक्शन टॉर्क है वो ट्विस्टिंग टॉर्क जो इस रोप का स्ट्रिंग है उसके बराबर हो जाएगा, है ना, यस सर। अच्छा अब मान लो सपोज कर लो भाई जो स्मॉल के है, लेट स्मॉल के इज द ट्विस्टिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, कितना ट्विस्टिंग टॉर्क है बोलो साहस, पर यूनिट ट्विस्ट, पर यूनिट, पर यूनिट, पर यूनिट, पर यूनिट, सुनो बेटा उसने कैसे किया, देखना इधर, वो जो था कैवेंडिश उसने क्या किया, ये जो रोप है रोप इसके ऊपर एक स्मॉल मिरर क्या किया, मिरर लगा दिया हमें स्मॉल मिरर, और उस स्मॉल मिरर के बिल्कुल सामने क्या रखा बोलो साहब, एक लैंप रखा, ओके, लैंप ऐसा नहीं रखा मतलब जैसे 15 वाट का एलईडी उसका नहीं होता है, एक लैंप रखा जिसमें से बहुत फाइन उस लैंप के आगे ना उसने क्या किया, एक क्या बोलते हैं उसको, कार्डबोर्ड रखा,
और उस कार्डबोर्ड के बीच में एक छोटा सा सुराख बना दिया जितने आपका पेपर सॉरी पेन का जो टिप है ओके। अब उस सुराख में से क्या होगा बेटे बोलो शाबाश, उसमें से एक फाइन बीम जाएगा और इसके ऊपर किसके ऊपर बोलो बेटा मिरर के ऊपर है ना यस यस मिरर के ऊपर। तो जैसे ही ये घूमना स्टार्ट करेगा कौन घूमना स्टार्ट करेगा बोलो शाबाश, जैसे ही वो रॉड को रिलीज करेगा ओके। देखो लिसन मान लो जब ये यहां से गया रॉड को रिलीज किया तो ये यहां से मिरर के ऊपर पड़ा और ये इधर को क्या हो गया बोलो शाबाश रिफ्लेक्ट हो गया ओके। और यहाँ पे बेटे उसने क्या लगाया स्केल लगाया एंगल स्केल है ना, यहाँ पे जो मान लो 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ओके 5 डिग्री। अब जब वो रॉड को रिलीज करेगा तो जैसे जैसे रॉड रिलीज होगी तो ये मास इधर को मूव करेगी, ये मास इधर को मूव करेगी। अब जैसे जैसे रॉड मास मूव करेगी वैसे वैसे स्ट्रिंग भी घूम रही है ना yes, sir. अब जब स्ट्रिंग घूमेगी तो क्या इसके ऊपर बैठा हुआ चिपका हुआ है मिरर घूमेगा कि नहीं घूमेगा yes, तो जब yes, ये घूमेगा बेटे तो ये जो यहाँ पे जो इनिशियली जब रिलीज नहीं किया था तो ये जो रे थी वो यहाँ पे थी और जब ये घूमेगा तो ये रे मान लो यहाँ पे पहुंच गई तो इस डिफ्लेक्शन से वो क्या मेजर कर लेगा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मेजर कर लेगा चिट्टा है ना यस yes, तो बेटे yes, अब मान लो इसको टॉर्सन हेड भी बोलते हैं जो के है ना इसको बोलते हैं टॉर्सन हेड वो कॉन्स्टेंट होता है इसका हर एक मटेरियल का जैसे इसका क्वार्ट्ज का अलग होगा स्टील का अलग होगा फलाने का अलग एक टेबल दिया होता है उसमें दिया होता है टॉर्सन हेड। अगर बोल रहा है मान लो 1 डिग्री के लिए जो है टॉर्क जो है पर यूनिट ट्विस्ट जो है वो कितना के है तो थीटा ट्विस्ट के लिए कितना होगा थीटा के ए थीटा वेरी गुड। तो इस टॉर्क को बोलूंगा मैं टॉर्की, आप टी को लिख लो बेटे ट्विस्टिंग टॉर्क, ट्विस्टिंग का मतलब चलेगा ना मरोड़ी मरोड़ी वाली बॉडी। हेलो यस सर। अच्छा अब सुनना ये जो डिफ्लेक्शन टॉर्क था ये तो था कपल के कारण दोनों फोर्सेस के कारण। अब कपल में क्यों बोलूंगा टॉर्क क्यों नहीं बोला क्योंकि तब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक बॉडी के ऊपर दो अलग अलग जगह लगती है तो वो जो कपल होता है दैट क्रिएट अ टॉर्क है ना। अब वो टॉर्क जो है बेटे वो मेरे ऊपर लगा हुआ है इस रॉड के ऊपर लगा हुआ है, रॉड घूमती घूमती जा रही है और जैसे जैसे रॉड की सर्कुलर रोटेशन जो है मोशन हो रही है वैसे वैसे जो स्ट्रिंग है क्वार्ट्ज की उसमें भी क्या हो रहा है पैदा ट्विस्ट पैदा हो रहा है। अब ये जो ट्विस्ट है ये अपोज कर रहा है रॉड की मोशन को। अब एक टाइम चलते चलते क्या जाएगा जब रॉड जो होगी वो घूमना बंद कर देगी स्टॉप कर जाएगी ना, इसका मतलब उस टाइम डिफ्लेक्शन टॉर्क जो रॉड के ऊपर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स है और ट्विस्टिंग टॉर्क जो किसके कारण है बोलो साहब ट्विस्ट के कारण है रोप में उसके कारण जो टॉर्क है दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो उसके बाद लिखेंगे बेटे दिस इक्वेशन 1 एंड दिस इक्वेशन 2 तो आप लिखेंगे बेटे एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होगा मीन जब रॉड घूमते घूमते क्या हो जाएगी स्टॉप हो जाएगी एट इक्विलिब्रियम बेटे क्या होगा बोलो साहब tau d is equal to tau t deflection torque is equal to twisting torque deflection torque is equal to what beta ji twisting torque twisting torque। ab hum dono ki value put karenge okay okay beta ji so dekho kya aayega bolo shabash koi ek bol do yes tisa bolo beta kya aayega yes ए आ जाएगा मेरे पास जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इनटू एल इज इक्वल टू के थीटा और कैपिटल जी इज इक्वल टू के इनटू थीटा इनटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम स्मॉल एम इनटू एल ओके। नाउ देखो बेटा इधर डिस्टेंस जो है दोनों मासेस के बीच में जो स्मॉल मास और कैपिटल मास उनके बीच का मास हमें डिस्टेंस नोन है, थीटा हमें डिफ्लेक्शन से पता चल गया, के जो है कांस्टेंट होता है हर एक मटेरियल का हमारे पास टेबल में दिया हुआ है, मास ऑफ दोनों जगह क्या है दोनों जो स्फीयर हैं स्मॉल स्फीयर ऑफ लेड एंड कैपिटल स्फीयर ऑफ लेड उनकी मास हमें ऑलरेडी नोन है एंड एल डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन बिटवीन स्मॉल स्फीयर्स या लेंथ ऑफ द रॉड भी नोन है so therefore you can find the value of g you can find the value of g and it is equal to 6.67 into 10 raised to power 6.67 into
10 raised to power minus 11 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। हाँ जी बेटा, एनी डाउट सर? जी सर, एट इक्विलिब्रियम दोनों टॉर्क इक्वल कैसे होगी वो बता दो। इक्विलिब्रियम के ऊपर, इक्विलिब्रियम के ऊपर सुना, सुन ले बड़े ढंग से सुन ले। जब मैं घूमना स्टार्ट करूंगा ना ऐसे ऐसे, वो समझ रहा है? यस सर। उसी टाइम जो बेटे ऊपर रोप है वो भी तो मेरे साथ घूम रहा है ना? यस सर। अब तो आप करके देखना, तूने मतलब एक थ्रेड लेना, कोई थ्रेड लेना या रस्सी कोई भी लेना, उस रस्सी को ना एक साइड से बांधना ग्रिल से और दूसरी साइड से तूने उसको क्या करना है, ऐसे 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 उसमें ना क्या करनी है, ट्विस्ट करना। ओके, अब देखना जैसे जैसे ट्विस्ट बढ़ता जाएगा तो तेरा जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा ट्विस्ट करने के लिए, है ना? यस सर। तो इसका मतलब है बेटे जैसे जैसे उसमें ट्विस्ट इंक्रीज हो रहा है वो मेरी फोर्स को ज्यादा क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा, क्या उसका टाइम आएगा, जब मेरे वाला टॉर्क जो था वो जीरो हो जाएगा और उसका जो अपोज होगा मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब अब उसका काम स्टार्ट होगा जब उसकी फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी, मेरी मोशन पे होगी और जीरो हो जाएगी ना। तो इसका मतलब जब मैं स्टॉप कर जाऊंगा, इसका मतलब जो मेरे को धक्का दिया था किसी ने घुमाने के लिए वो वाला टॉर्क, और अब इस टाइम जो उस रोप में फोर्स पैदा हुई है अपोजिशन की, वो फोर्स टॉर्क जो होगा वो दोनों सेम हो जाएंगे ना। ओके सर। ओके हाँ। नाउ बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है बोलो शाबाश। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यस। जब भी हम किसी बॉडी को बेटे देखो क्या करते हैं बोलो करो, आप पेन है, आप पेन को देखो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ कंप्यूटर के ऊपर यहाँ पे सामने, इसकी जो एक्सेलरेशन है मैकेनिकल एक्सेलरेशन वो कितनी है इस टाइम? जीरो। मैकेनिकल का मतलब फोर्स के कारण एक्सेलरेशन पैदा होती है, अदर देन ग्रेविटी के द्वारा जो फोर्स है वो जीरो है, इसलिए इसकी मैकेनिकल एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। लेकिन इसको जो है अभी भी फोर्स ने ग्रेविटी ने खींचा हुआ, उसके कारण इसकी एक्सेलरेशन है, चाहे मोशन में है चाहे मोशन में नहीं है, और वो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके बेटा जी, देयरफॉर द एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, एक आएगा वर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और एक आएगा ग्रेविटी। ओके, वैसे तो वर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, मींस मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो अर्थ ने मेरे को खींचा हुआ है, वो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचा हुआ है। अभी 12 बजे मैं मून के ऊपर चला जाऊंगा तो मून मेरे को खींचेगा, उसको मैं बोलूंगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। थोड़ी देर के बाद मैं और लुकेश सन के ऊपर चले जाएंगे, ओके, वहां पे सन हमें खींचेगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन। ओके, तो ऐसे ऐसे जहां पे जाएंगे हम, ठीक है। अब आप अपने घर में है तो आपके घर ने आपको खींचा हुआ है, आपके हाथ में पेन है आपने अपने पेन को खींचा हुआ है, ओके, आपने मेरे को भी खींचा हुआ है। और नाइन्थ में हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था ना, यू कांट ग्रास्प द फिंगर्स और ऑफ योर हैंड्स विदाउट डिस्टर्बिंग द यूनिवर्स, है ना? यस सर। नाइन्थ क्लास में yes, देखो, मान लो आपका डिस्टेंस, आप अपने घर में हो, मैं यहाँ पे हूँ, और देखो मेरी जो सेंट्रल फिंगर है, ये जो सेंट्रल फिंगर है ये इसका अभी आपसे डिस्टेंस है। अब अगर मान लो मैं सेंट्रल फिंगर को ग्रास पकड़ता हूँ ऐसे, तो देखो आपके और सेंट्रल फिंगर के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ बोलो? वो डिस्टेंस चेंज हुआ यार। देखो जब ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, देखो तो मेरे मेरे जो हैंड है, मेरे हैंड से हर एक फिंगर का डिस्टेंस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो जब डिस्टेंस चेंज हो रहा है, मान लो फिंगर का मास तो सेम है, हेड का मास भी सेम है, लेकिन जो फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, है ना? यस सर। तो जितने भी स्टार्स है दुनिया में, देखो अब मैं ऐसे ऐसे एक्टिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं गैस्ट्रो ले कर ले रहा हूँ, जितने भी स्टार है गैलेक्सीज है जो कुछ है इस दुनिया में ब्रह्मांड में, उन सब से मेरा डिस्टेंस लगातार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसका मतलब अकेला सा एक हाथ से या दोनों हाथ से फिंगर को ग्रास करने के कारण मैंने पूरे ब्रह्मांड में तबाही मचा दी है ना। अब लेकिन बात ये है, इसका मतलब ये बेटे देखो, आपको फोर्स आपके और मेरे बीच में वो टॉप डिस्टर्ब हो रही है, हो सकता है बढ़ रही है, हो सकता है कम हो रही है, लेकिन ये जो फोर्स है हमने पढ़ा हुआ है, इट इज द बिगेस्ट फोर्स, इससे मतलब कमजोर फोर्स ब्रह्मांड में कहीं पे है ही नहीं है। इट इज द बिगेस्ट फोर्स ऑपरेटिंग इन द यूनिवर्स,
बिकॉज इट इज ऑफ द लॉन्गेस्ट रेंज. ये जो फोर्स है मेरे और किसी भी जो स्टार दिखाई भी नहीं देता इतनी दूर है ना, मेरे और उसके बीच में भी फोर्स है. अब जब इसकी रेंज इतनी ज्यादा है तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी. आपने देखा कभी ऐसा भी एक ट्रैक्टर ने एक ट्राली जोड़ी है? ट्रैक्टर कहाँ पे है? फुवाड़ा बस स्टैंड पे. और ट्राली कहाँ पे है? रामा मंडी जलंधर में. और दोनों रस्से से जोड़ा हुआ. क्या वो ट्रैक्टर उस ट्राली को कैच पाएगा? नहीं कैच पाएगा. जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा वैसे वैसे फोर्स क्या होती जाएगी? हाँ, तो डिस्टेंस को बोलते हैं रेंज, है ना. जैसे जैसे दोनों के बीच का रेंज जो होगी वो कम होगी, वैसे वैसे फोर्स स्ट्रांग होती जाएगी ना. अब जो न्यूक्लियर फोर्स होती है उससे ज्यादा मजबूत फोर्स होती नहीं है. अब न्यूक्लियस का साइज कितना है भाई साहब? 10^15 -15 मीटर. अब उसके बीच में दो न्यूट्रॉन है, उन न्यूट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. ओके, तो ग्रेविटी yes, का जो वर्ड ग्रेविटी आया ये ग्रेविटेशनल फोर्स है. लेकिन क्योंकि हम जनरली जब ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे तो हम अर्थ की ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे ना. जैसा मास लेंथ और टाइम के बारे में डेली जब भी बात करते हैं, किसी भी बॉडी के बारे में बात करते हैं, तो जनरली 7 quantity में से 3 का बात करते हैं, जिनको बेसिक बोल देते हैं ना. तो जब भी हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे तो हम चांद की भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम बस क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एक आदमी कोई और ऑब्जेक्ट की होगी, बाकी अर्थ की होगी. इसलिए हमने अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको स्पेशल नाम दे दिया. क्या? ग्रेविटी. 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 एनी डाउट बेटा जी? नो सर. ओके, चलो बेटा अब देखो इधर. अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ बॉडी इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी. ये तो पता ही होगा आपको ना. अब देखो बेटा, ये आ गई अर्थ. अर्थ का जो सेंटर है ओ है, और इसका मास कितना है? कैपिटल एम. और इसकी जो रेडियस है लेट दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर. अब डिस्टेंस आर रेडियस जो है आप आर लो डी लो आपकी अपनी मर्जी. ओके, और इस अर्थ के ऊपर देखो इतनी, अगर मैं बोर्ड के ऊपर इतना सा गोला जो अलग हुआ 10 cm की रेडियस का अर्थ बता रहा हूं, तो मेरा साइज क्या होगा ऊपर? मैं तो दिखूंगा नहीं, है ना. यस, तो लेट बेटे ये जो ऑब्जेक्ट है ये बता दिया. ओके, जो ऑब्जेक्ट है इसकी मास स्मॉल एम है, तो अर्थ ने इस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ को खींचा हुआ है, और जिस फोर्स से खींचा हुआ है दैट फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ दिस पर्सन मैन एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ. और ये जो डिस्टेंस होगा दोनों के बीच सेंटर के बीच में होगा, तो अर्थ की जो रेडियस है दैट इज 6400 किलोमीटर. और एक जो मैन है बेचारा 2 meter का लंबा आदमी है, यहाँ उसका सेंटर ऑफ मास है, तो क्या ये जरूर लिखना होगा आर प्लस 1 meter? नो सर. नो सर. सीधी सी बात है, 1 crorepati है, समझ गए ना आप? यस सर. यस सर. 1 crorepati है, उसकी जेबों में पॉकेट्स में बहुत सारे क्वाइंस नोट पड़े हुए हैं ना. अब अगर उसमें से एक क्वाइन गिर भी जाता क्या उसको पता चलेगा? नहीं चलेगा. क्या उसको कोई एक क्वाइन कहीं से डाल देता एक्स्ट्रा क्या उसको पता चलेगा? नो सर. एक मेरी तरह जिसके जिसने कभी पैसा देखा ही नहीं है, अगर मेरी पॉकेट में ऐसे करने से मेरे को 10 rupees का क्वाइन मिल जाए मैं तो खुशी बहुत होऊंगा. यस सर. और मान लो थोड़ी देर के बाद जब मेरे को उसकी जरूरत पड़ी मैं लेने लगा तो वो मेरे को मिला ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया, तो दुखी भी मैं बहुत ज्यादा हूँ ना. यस सर. तो मेरे कहने का बेटा फिर मतलब बेटे यहाँ पे आना चाहिए था आर प्लस किसका जितना हाफ है ना. यस सर. वो आना चाहिए था लेकिन वो आएगा नहीं क्योंकि कहाँ पे 6400 किलोमीटर है इंटू 1000 करो तो उतने मीटर आ गया, तो फिर ये तो इसकी रेडियस तो मीटरों में करोड़ों हो गई है ना. Yes, sir. इसलिए yes, मैं ले लो चाहे आप एवरेस्ट ले लो वो 10 kilometer की हाइट की, उसकी भी हाइट को हम नेगलिजेंस मत मानते हैं एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ. 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 ओके, ठीक है बहुत बड़ी बात है. अच्छा अब आओ बेटे देखो, सो ये जो फोर्स है इसी का नाम दे देते हैं हम वेट, है ना. इसी को बोलते हैं वेट ऑफ द बॉडी. क्या बोलते हैं इसको? वेट ऑफ द बॉडी. बॉडी के वेट को कैसे डिफाइन करेंगे? Weight is the force by which weight of a body is the force by which that body is attracted by the earth towards its
सेंटर। अच्छा अब वेट जो होता बेटा होता कितना, दैट इज इक्वल टू बोलो तो सब में आएगा, चाहे वो दो बट्टों के बीच में हो, दो बड़ों के बीच में, दो छोटों के बीच में हो, जी तो अलग आएगा। जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, लेकिन वो हो सकता है क्योंकि डेंसिटी हर एक ऑब्जेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट होती है ना। ओके अब मान लो 1 kg आप क्या आयरन लेंगे या स्टील बॉल लेंगे और 1 kg आप कॉटन लेंगे, तो 1 kg कॉटन आपके हाथ में ऐसे भी नहीं आएगा, तो उसका साइज बहुत बड़ा हो गया। और जो 1 kg क्या होगा पटका होगा, आप पेंट की पॉकेट में डाल सकते हो। ग्रेविटी दोनों की ज्यादा है, ओके सॉरी दोनों की ग्रेविटी क्या सेम है, क्योंकि दोनों का मास क्या है सेम है, लेकिन रेडियस के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे जो कॉटन है वो मास आ गया। ओके यस सर। अच्छा अब देखते हैं कि जो वैल्यू ऑफ जी है ना ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी होती है, इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे जी की वैल्यू रख लिया ठीक है, जो पढ़ी हमने 6.67 × 10⁻¹¹ मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6.0 × 10⁻²¹ एंड डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, रेडियस आ गई कितनी गोलो सवास 6400 किलोमीटर का स्क्वायर। ओके तो जी की वैल्यू आ जाती है 9.8, कितनी आती बच्चों 9.8। ओके इसीलिए होता क्या है बेटा देखना बोलो सवास, रूपाली मैम वो लिंक कर दा शेयर, बेटे मैम ने लिंक किया शेयर उसको कर लो मेरे बेटे। हाँ जी बेटा देखो यस, अब ये जो जी की वैल्यू है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब मेरा जो वेट है वो जी के कारण है ना, मास तो मेरी कांस्टेंट है। अब अगर मैं ऊपर जाऊंगा अर्थ से, मान लो ऊपर जाऊंगा ऊपर वाली साइड को, रेडियस ऑफ द अर्थ इज कितना आर, और मैं यहाँ पे हूँ बेटे तो यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी है जी, और जब मैं सपोज कर लू कितनी हाइट पे चला जाऊंगा, यहाँ पे चला जाऊंगा अप टू पॉइंट ए, और हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी है एच एच, तो सेंटर से अर्थ के सेंटर से मेरी डिस्टेंस टोटल कितनी हाइट हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस एच, कितना हो जाएगा बेटा जी आर प्लस एच, आर प्लस एच। तो जाहिर है जब डिस्टेंस इतना बढ़ गया तो जी की वैल्यू चेंज हो गई है ना। Yes, sir. Set all the center of earth. Let M is the mass of earth. Capital M. चलो यार। Let capital M is the mass of the earth. Okay. And the value of acceleration due to gravity on the surface at point B is let G, and at a height at point A, let it is equal to G dash. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये बॉडी यहाँ पे है, इसका मास कितना एम है, इसको बोलते हैं बेटे इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन जी, आर्टिकल का नाम लिखो इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन दी वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, कॉमन में स्मॉल जी। ओके ओके सो देखो बेटा जी लिसन, तो मेरे पास आ गया ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जी इज इक्वल टू कितना अभी पढ़ा हमने, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर है ना, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ओके यस सर। एट पॉइंट बी हमने मान लिया द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू व्हाट जी डैश कितना होगा, जी की वैल्यू कैपिटल जी की वैल्यू जहां मर्जी ले जाओ, उसको पानी में डुबो दो जहां मर्जी है ना, इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। ओके इसकी वैल्यू जो होती है किसी मीडियम में कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं पड़ता, ओके दैट इज व्हाट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। तो जी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, चाहे मैं यहाँ पे हूँ चाहे जहां पे हूँ, मास ऑफ अर्थ जो है वो भी क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है रेडियस और डिस्टेंस, तो ये आएगा आर प्लस एच स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 है ना। ओ बाजी बोलो ठीक है
डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर टू बाई वन, तो g डैश अपॉन g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर इंटू नीचे आ जाएगा बेटे क्या जी एम ऊपर आ जाएगा आर स्क्वायर। ओके जी एम से जी एम तो देयर फोर मेरे पास बचा बेटे आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर और इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन बार मैं इसमें आर स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो अंदर आएगा क्या बोलो सर वन प्लस एच अपॉन आर होल स्क्वायर यही बचेगा ना। यस सर। यस तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर बेटा क्या हो गया कैंसल कैंसल। ओके अब देखना मैं थोड़ा सा स्क्रीन घुमा रहा हूँ इधर को अब देखना बेटा विजिबल आना है अभी। यस सर। यस सर। हाँ देखो बेटा अब आ गया मेरे पास क्या आ गया जी उसको हमने चल करा बेटा जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर रेज टू पावर टू। आपको नितिन सर ने बेटा बाइनोमियल थ्योरम करवा दी? नो सर। चलो देखो नो सर। चलो देख लो सुनना बड़े ध्यान से आपने ये फॉर्मूला किया वा ए प्लस बी होल स्क्वायर। यस सर। यस सर। आपने ऐसा फॉर्मूला किया वा कोई ए प्लस बी रेज टू पावर माइनस 54? नो सर। नो सर। ऐसा फॉर्मूला किया कोई जिसमें हो ए प्लस बी या ए माइनस बी हो सकता है रेज टू पावर ए अपॉन बी इंटू जेड अपॉन के ऐसा किया है? No, sir. No, sir. नंबर वन ये जो बाइनोमियल थ्योरम है कब लगेगी? नंबर वन जब जो फॉर्म रेशो इंडिसेस होगी जो पावर जो होगी इस टर्म की ए प्लस बी ए माइनस बी की जो पावर होगी जब वो कोई भी हो नंबर है ना एनी रियल नंबर जब मैंने रियल नंबर बोल दिया तो उसमें जितने भी नंबर बने वो सारे आ जाते हैं ना। यस सर। ओके एक तो नंबर वन है ये जो पावर है जितनी मर्जी हो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो जो मर्जी हो और ये जो ए प्लस बी है किस फॉर्म में होना चाहिए वन प्लस माइनस एन रेज टू पावर वन प्लस एक्स रेज टू पावर एन ये जो एन है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कुछ हो सकता है ना। ओके और ये जो एक्स है इसकी वैल्यू वन से कम होनी चाहिए ना इट शुड बी लेस देन वन तभी बाइनोमियल थ्योरम लगेगी अदरवाइज नहीं। ये जो सेकंड टर्म है फर्स्ट टर्म वन ही होनी चाहिए और सेकंड टर्म जो है वो लेस देन वन होनी चाहिए पावर जो मर्जी हो तो फिर ये कैसे एक्सपेंड एक्सटेंड होती है देखो बेटे ये आएगा वन प्लस एक्स मैं प्लस में ले रहा हूँ माइनस होगा तो माइनस में ले रहे ओके रेज टू पावर एन इसको एक्सटेंड करेंगे वन एज इट इज प्लस पावर इनटू सेकंड टर्म प्लस डैश 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 और डैश 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 बाद में नीचे जरूरत पड़ेगी आपको। ओके यस सर। ओके तो अब देखो बेटे अब जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा वन प्लस सेकंड टर्म यहाँ पे अच्छा सॉरी पहले तो मैं इसको ले जाके ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पे तो ये ऊपर जाके रेज टू पावर क्या बन जाएगा माइनस टू माइनस वन प्लस एच अपॉन आर रेज टू पावर माइनस टू। अब हाइट कितनी है मेरी यहाँ से ऊपर की बोलो एच वो एच यार वो तो है ही है 50 किलोमीटर है 100 किलोमीटर है 1000 किलोमीटर 2000 कितनी होगी कितनी होगी वो मेरे कहने का मतलब है एच जो है वो हमेशा आर से कम ही होगा ना। यस सर। यस सर। एच अपॉन आर लेस देन वन होगा। यस सर। तो इसका मतलब चांसेस बढ़ रहे हैं किसके बाइनोमियल थ्योरम लगने के ना तो देयरफॉर यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम अब मेरे पास आएगा बेटे फर्स्ट टर्म एच इट इज वो कितनी है 1 प्लस पावर कितनी है एन की जगह पावर कितनी है इसकी यहां पे माइनस टू इंटू सेकेंड टर्म एक्स की जगह क्या है बोलो बस तो कितना आ गया देयरफॉर इट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एच अपॉन आर ये क्या आ गया जी डैश अपॉन जी देयरफॉर
g dash is equal to g into 1 minus 2h upon r. Okay? Yes, sir. ओके बेटा जी हाँ यस ओके. अब अगर एच आपने किलोमीटर में लेना होगा तो आर भी किलोमीटर में ले लेना, और अगर आपने एच मीटर में लेना होगा तो इसको मीटर में ले लेना. ओके, क्योंकि किलोमीटर में लाओ चाहे मीटर में लाओ इसका यूनिट तो आपस में कैंसिल हो जाएगा ना. ओके, तो देयर दिस इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस, सॉरी एट ए पॉइंट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. एंड दिस आर्टिकल का नाम है इफेक्ट ऑफ अल्टीट्यूड, इफेक्ट ऑफ अल्टीट्यूड. ओके बेटा, यस. अच्छा सपोज करो अगर लिसन, अगर मेरी हाइट आर के बराबर हो जाएगी देन तो यहाँ पे एच की जगह क्या आ जाएगा बोलो? आर. कितना आर? आर. फिर टाइम हो गया, फिर माइनस जी. इसका रिजल्ट में बाद में डिस्कस करूंगा, इसमें और भी